नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम भरत। दोस्तों, मैं आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हूं, क्योंकि जिस चीज़ का आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार होता है और काफ़ी दिनों वेट करने के बाद वो चीज़ अगर आपको मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मैं आज जो बातें बताने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनना। जिसका गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई के लिए अप्लाई किया है या तो अप्लाई करना भी बाकी है, वो लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ गलती हम कर बैठते हैं इसलिए हमारा पिन जो है वो नहीं आ पाता है या तो लेट आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा YouTube का जो क्राइटेरिया है उसकी। सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करने के बाद आपके चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई हो जाने के बाद थोड़े ही दिन में आपकी चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन हो जाती है। मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद आपके चैनल पे थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। आपके अकाउंट में जब $10 जमा हो जाने के बाद गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करते समय आपको एक चीज़ की ध्यान रखना है कि आपको एड्रेस जो है वो कंप्लीट डिटेल डालना है। जो आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस है वो सेम ही एड्रेस इसमें डालना है। आपको मोबाइल नंबर भी ऐड कर देना है, क्योंकि जब पोस्टमैन आपको ये पिन देने के लिए आए, गूगल एडसेंस वेरीफाई पिन देने के लिए आपके घर आए, अगर आपका घर ना मिले तो आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सके। उसके बाद काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं कि गांव से जो बिलोंग करते हैं वहां 10-12 दिन में या तो 15 दिन में पिन मिल जाता है, और शहर से जो बिलोंग करते हैं यूट्यूबर वहां 10 या 12 दिन में मिल जाता है। लेकिन यह गलत बात है दोस्तों। मेरा पिन मेरे पास 25 दिनों के बाद पहुँचा है, तो या 25 दिन होता है या तो महीना दिन भी हो जाता है। इसलिए आप अगर आपका पिन जो है वो लेट आए तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा धीरज रखिए, सब्र रखिए, आपका पिन जो है जो कंप्लीट एड्रेस डाला है तो आपका पिन आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो मेरा गूगल एडसेंस पिन जो है वो आ गया है। मैं आपको ये बताऊँगा और ये पिन जो है वेरीफाई कैसे करें, अपनी गूगल एडसेंस में वेरीफाई कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये जो पिन है उसका काफ़ी सारे दिनों से इंतज़ार रहता है। ये पिन जो है ये 6 डिजिट का पिन आता है, और ये पिन ऐड करने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसा जमा होने लगता है। आप देख सकते हैं, करीब से मैं दिखाता हूँ, अगर आप देख पाओगे तो मैं उसको ओपन करूँगा। यहाँ से ओपन करना है आपको, यहाँ से आपको ओपन करना है। आप देख सकते हैं ये आवाज़ आ रही है। सो फाइनली आप देख सकते हैं ये जो पिन है 25-14-94, ये जो पिन है वो मैं गूगल एडसेंस में कैसे वेरीफाई करें उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, कैसे ये जो पिन है गूगल एडसेंस में कैसे वेरीफाई करें। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, लैपटॉप में या तो आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद आपको लिखना है यहाँ गूगल एडसेंस फॉर यूट्यूब लॉगिन। इस तरह आप लिखोगे तो इस तरह इंटरफेस होगा। उसके बाद यहाँ आपको जाना है गूगल एडसेंस में। गूगल एडसेंस में क्लिक करने के बाद आप गूगल एडसेंस के होम पेज में चले जाओगे। इस तरह इंटरफेस होगा। इसमें से आपको यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा, और यहाँ आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हो वेरीफाई करके, वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाई देगी। इस तरह थोड़ा ब्राउजिंग होगा, और यहाँ आप देख सकते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो हो गया है, यहाँ कंप्लीट दिखाई दे रहा है, लेकिन एडसेंस वेरिफिकेशन अभी बाकी है। आप देख सकते हो यहाँ, तो यहाँ एडसेंस पिन वेरिफिकेशन अभी बाकी है। तो यहाँ 6 डिजिट पिन हम डालेंगे, और ये 3 बार ही आपको डालने को मिलेगा। अगर 3 बार आप गलत डालोगे तो फिर से आपको रीसेंट पिन मंगवाना पड़ेगा। इसलिए जो भी पिन है वो आपको ध्यान से एक ही बार में सब वेरीफाई हो जाए, इस तरह आपको डालना है। तो मैं यहाँ पिन डाल दूंगा, जो भी पिन आया है वो पिन डाल दूंगा। पिन डालने के बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ।
सबमिट में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद यहाँ कंप्लीट एडसेंस वेरिफिकेशन कंप्लीट आ जाएगा। आप देख सकते हो दोनों लाइनिंग में ग्रीन आ गया है, तो आप देख सकते हो। तो इस तरह आप पिन वेरीफाई कर सकते हो, सिंपल आसानी से पिन वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद आपको चले जाना है आपको पेमेंट इन्फो में, पेमेंट्स इन्फो में चले जाना है आपको। तो मैं सबसे पहले पेमेंट्स में क्लिक करूंगा, उसके बाद पेमेंट्स इन्फो में क्लिक करूंगा, उसके बाद थोड़ा ब्राउजिंग होगा और यहाँ राइट साइड नीचे आपको पेमेंट्स इन्फो में दिखाई देगा। आप देख सकते हो एड्स पेमेंट्स मेथड जो आप देख सकते हो, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा ब्राउजिंग होगा और यहाँ काफ़ी सारी जो डिटेल है, बैंक डिटेल है, वो आपको फिल करनी है। बैंक डिटेल जो है वो आपकी भी डाल सकते हो, या तो आपकी अगर नहीं है तो आपके भाई की भी डाल सकते हो, या तो माता पिता का बैंक अकाउंट की डिटेल भी आप डाल सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है नेम ऑफ बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में जिस तरह नेम हो इस तरह ही लिखना है आपको। उसके बाद आपको जाना है बैंक नेम में, आप यहां देख सकते हो जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उसी बैंक का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है आईएफएससी कोड जो है वही लिखना है। उसके बाद यहां स्विफ्ट कोड लिखना है। स्विफ्ट कोड अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल में से बैंक का नाम और स्विफ्ट कोड सर्च करके डाल सकते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद आपको दूसरी बार अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी जो बैंक डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह आप गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई कर सकते हो और साथों साथ बैंक की डिटेल भी इस तरह फिलअप कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं हर दिन लाता रहता हूँ।